हेलो व्यूवर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सोमिया स्पेशल। आज हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं चने की दाल की पुलाव या कबूली खिचड़ी। हम इसको बिल्कुल बिरयानी के तरीके से बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिया है हमने 200 ग्राम चने की दाल, हमने इसको भिगो दिया है, 500 ग्राम चावल, एक मीडियम साइज़ टमाटर, 4 हरी मिर्च। तो शुरू करते हैं। कुकर में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म करके उसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा हम 1/2 टी स्पून ले लेते हैं। जीरा चटकते ही हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जीरा गर्म हो गया, हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच प्याज का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम बिरयानी की तरह से बना रहे हैं, हम इनको थोड़ी देर अच्छे से भून लेते हैं। साथ में मिर्च और टमाटर डालकर मसाला भूनने में लगभग 5 मिनट लग जाते हैं। 5 मिनट तक हम अच्छे से इसको भून लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मसाला अच्छे से भुनने लगा है, हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक। चावल हमारे ज़्यादा हैं तो हम उसी हिसाब से नमक अभी डाल देते हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें डाल देते हैं हम 2 ग्लास पानी। पहले हम पानी में खद्दर लगाएंगे। जैसे ही पानी में खद्दर पड़ता है, हल्का हल्का सा खद्दर पड़ने लगा है, अब हम डाल देते हैं इसमें दाल। दाल को हमने 1 घंटे भिगोया है, चावल भी लगभग 1 घंटे ही भिगे हुए हैं। दाल को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम इसको डालकर पहले 1 खद्दर लगा लेते हैं, वरना ये चावल के साथ थोड़ी सी कच्ची रह जाती है। तो पहले हम दाल को थोड़ा सा एक पक्कन डालेंगे। प्लेट से ढक देते हैं ताकि खद्दर जल्दी से आ जाए। खद्दर पड़ चुका है, दाल में हल्का सा उबाल लग गया है। अब इसमें डाल देते हैं चावल। चावल का पानी हमने पूरा रिंस कर दिया था, अब हम चावल इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आज बिरयानी जैसा ही इसका टेस्ट आएगा। बाकी मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। पानी कम है तो हम इसमें 1 ग्लास पानी और डाल देते हैं, क्योंकि चावल पकने के लिए चावलों से लगभग 1 इंच पानी ऊपर रहना चाहिए, जिससे हमारे चावल अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो पानी अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार हम चेक कर लेते हैं नमक कैसा है। इसमें डाल देते हैं पहले हम दही। हमने यहाँ पर 2 चम्मच दही ली है। नमक टेस्ट कर लेते हैं अब। चावल में नमक ज़रूर टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर चावल में नमक कम रह जाता है तो उसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। 1 चम्मच हम उसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर, जिससे कि बिल्कुल बिरयानी जैसा फ्लेवर आएगा, खुशबू भी बिल्कुल बिरयानी जैसी आएगी। 1/2 चम्मच गर्म मसाला डाल दिया है। सारी चीज़ों में अच्छे से खद्दा पड़ गया है। हल्के हाथों से एक बार हम चला देते हैं। नमक भी एक बार फिर से टेस्ट करेंगे। नमक हमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच नमक और। अब ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बहुत अच्छे से खद्दा पड़ गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 नींबू का रस। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा जायका आता है। और ये एक हमारा किचन इम्पोर्टेंट टिप है कि अगर हम चावल पकते हुए नींबू का रस डालते हैं, तो इससे हमारे चावल खिले खिले बनते हैं, उसका कलर भी वाइट रहता है। तो आप ज़रूर डालिएगा। लिड लगाकर 2 सीटी आने देते हैं। 2 सीटी आने में चावल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाते हैं। फ्रेंड, 2 सीटी आ चुकी हैं, लिड खोलकर देख लेते हैं। चावल हमारे एकदम बढ़िया से बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें डाल देंगे हम कलर, फूड कलर या जर्दी रंग,
या जो कलर आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बिरयानी चाहे बिरयानी या चने की दाल की पुलाव बनकर एकदम रेडी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।